गोरा मैया भी भेलने का रूप धारण करती है, ऐसा रंग रूप बनाती है मैया, कद काठी रंग रूप कि खुद भी अगर आईने में देखे तो नहीं लगे कि मैं पार्वती हूं। भोलेनाथ को छलने के लिए चल दी, कहां छलने चली, जहां प्रभु भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, ध्यान लगा करके बैठे थे, और होता क्या है, मैया रिम झिम करती भीलनी कठिन चाली रे, कठिन चाली रे, शंकर बैठे कैलाश में बैठी ने चाली रे, शंकर बैठे कैलाश में बैठी ने चाली रे, मैया रिम झिम करती भीलनी कठिन चाली, जैसे प्रभु भोलेनाथ के पास पहुंची वो भीलनी रानी, भोलेनाथ आंख बंद करके तपस्या में लीन थे और अपनी मायावी पायल छनकाई, और जैसे मायावी पायल छनकी तो भोलेनाथ के नेत्र खुल गए, आंख खोल करके भोलेनाथ क्या देखते हैं, इतनी सुंदर भीलनी मैंने आज तक अपने कितने हजारों वर्ष का जीवन हो गया मैंने नहीं देखी, क्योंकि मायावी रूप था मैया का। आसन से खड़े हो गए, स्थान छोड़ दिया, और जब भीलनी मैया को भीलनी को मालूम हुआ कि भोलेनाथ के नेत्र खुल गए हैं, तो 20 30 50 कदम आगे चल दी, जैसे भोलेनाथ को देखा नहीं हो भीलनी ने, और भोलेनाथ आसन से खड़े होकर के ऐसे झाला मारते हैं, आवाज लगाते, सुनो सुनो भीलनी, भोले शंकर सुनो भीलनी, बैठो पास हमारे जी, भोलेनाथ को भीलनी समझाती है, बोली भीलनी सुनो सदाशिव, हमारे भील मारे घर में, हमारे भील मारे घर में, हमारे भील मारे घर में, ओ थाने मार कर मने ले जावे, हंसी होवेली घर घर में, ओ हंसी होवेली घर घर में, हां हंसी होवेली घर घर में, थे बैठा प्रभु ध्यान लगाओ ते दे ताड़ी,
मेरा प्रभु ध्यान लगाओ, दे दे ताली रे। जैसे मैं आई थी तो तुम मस्त थे, तो तुम्हें सलाह देती हूँ कि वैसे बैठ के अपना ध्यान लगा लो। भोलेनाथ ने भीलनी को कहा कि देखो भीलनी, बुरा मत मानना, तुमने अपने पति का डर दिखाया, उसका समाधान है मुझे, मेरे पास समाधान है। तो भोलेनाथ कहते हैं, ज्ञान ध्यान सब भूल गयो, मत डर पे तू मन में, मत डर पे तू मन में, ओ मत डर पे तू मन में। और हाँ जटा बीच में थाने राखशु, मालूम पड़सी ही कीने, ओ मालूम पड़सी ही कीने, अरे मालूम पड़सी ही कीने। कोई बात को डर मत कर, कर शू रख मेरा पति बड़ा खतरनाक है। तब भोलेनाथ ने कहा कि उसकी बात की चिंता मत कर, मेरे पास उसका समाधान है, मेरे पास इतनी विशाल जटाएं हैं जिसमें इतनी बड़ी बड़ी गंगा को मैंने समाया है। तेरा पति तो छोटा होगा, मैं उस जटा में रखूंगा, तू चिंता मत कर, इसके अलावा कोई बात है तो मुझे बता। तब भीलनी कहती है, महादेव सत्य कह रहे हो, मैं सत्य कह रहा, झूठ थोड़ी बोलूंगा, मैं तुम्हें उस जटा में रखूंगा। तब भीलनी कहती, महादेव तुम्हारे घर में और कौन कौन है? भोलेनाथ कहता, कोई नहीं है, झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। तो भोलेनाथ थोड़े सजग हो गए, सचेत हो गए, कहीं कुछ पता तो नहीं है, तुझे क्या पता मेरे घर में कौन है? हाँ मैं बताती हूँ, तुम्हारे घर में है, मैं जानती हूँ कौन है। थारे घर में पार्वती है, जटा में गंगा रहवे, हाँ मेरे घर में पार्वती है, भीलनी में तुमसे वादा करता हूँ, पार्वती है लेकिन अब घर में नहीं है, वो अपने पीहर गई हुई है। अगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर वो आ भी गई तो उसको वापस पीहर भेज दूंगा, तुम मेरे पास रहो। और महादेव गंगा, हाँ गंगा तुम्हारी, जब तक तुम यहाँ रहोगी तुम्हारी नौकरी करेगी, चाकरी करेगी, तुम्हारी झाड़ू पोछा करेगी, मेरा वादा है। भोलेनाथ उस भीलनी से वादा कर रहे हैं, पार्वती ने पीहर भेज दू, सुनो भीलनी, हाँ सुनो भीलनी रानी जी, हाँ सुनो भीलनी रानी जी। और गंगा थारी करे चाकरी, थे घर की धनियाणी जी, ओ थे घर की धनियाणी जी, ओ थे घर की धनियाणी जी। और शंका हो वे जो मन में देहु मिटाई, ओ
महादेव से कहती है भीलनी बैल चढ़ूं तो डरूं मात मेरी बात। मैं पैदल नहीं चल के आई हूँ कभी भी, आज तो वैसे घूमने के लिए आ गई हूँ। मेरे पति बड़े छैल छबीले मुझे हाथ पे रखते हैं, आज मैं कैलाश घूमने के लिए आई हूँ। जब सारी बातें नहीं मानने को तैयार तो भोलेनाथ ने कहा, सुनो भीलनी, बोले शंकर डरो ना बैठो, इस पर मत बैठो, सिंह से मत डरो, सांप से मत डरो। और कहां बैठो, बोले शंकर डरो ना बैठो, अब पीठ हमारे जी, अब पीठ हमारे जी, मेरी पीठ पर तो बैठ जाऊंगी तो मैया भीलनी खुश हो गई। हाँ भोलेनाथ, मैं पीठ पर तो बैठ जाऊंगी। बोले शंकर डरो ना बैठो, अब पीठ हमारे जी, शंकर बैठे भोलेनाथ ने अपना हाथ किया। भोलेनाथ बैठे हुए हैं, भीलनी खड़ी हुई है। भोलेनाथ ने कहा पैरों की तरफ हाथ करके कि पैर रखो यार मेरी पीठ पर, आओ मैं पीठ पर आओ। और जैसे पैर की तरफ हाथ बढ़ाया, सती नारी पीछे चली गई। भोलेनाथ आगे बढ़े, सती फिर पीछे चली गई। और जब तीसरी बार भोलेनाथ की निगाह पैरों की तरफ आगे गए भोलेनाथ, तो सती और पीछे चली गई। और जैसे भोलेनाथ की निगाह पैरों की तरफ थी, तभी जैसे भोलेनाथ ने कहा मेरी पीठ पर आओ, तो मैया पार्वती क्या रूप बनाती है। शिव शंकर के वचन को सुनकर खड़ी है और भोलेनाथ की निगाह भीलनी के चरणों की तरफ है। और भोलेनाथ ने कहा कि आओ आओ मेरी पीठ पर आओ। चरणों से जब निगाह ऊपर की तरफ घुमाई भोलेनाथ ने, तो भीलनी नहीं थी, तो पार्वती बनके खड़ी है। भोलेनाथ की जैसे निगाह ऊपर चेहरे पे गई, तो भोलेनाथ ने कहा मरवाए वाए, मैंने तो क्या क्या वादे किए थे। और मैया के तौर बदले हुए, मैया कह रही उंगली उठा के, वाह भोलेनाथ मैं पीहर में और यहाँ क्या क्या रंग रचा रहे हो। भोलेनाथ को बोलने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे पत्थर की मूर्ति बन के भोलेनाथ खड़े हो गए। होठों पे पपड़ी आ गई, पत्थर की तरह आंख होगी, बुत बन गए। मैं कहूं तो क्या कहूं इस पार्वती को कि पार्वती पीहर गई आगे तो वापिस पीहर भेज दूंगी, तो भोलेनाथ मुझे पीहर भेजोगे है? और गंगा तुम्हारी नौकरी करेगी। अभी देखो कैसे दूल्हे बने खड़े हो, छोटा सा मुंह हो गया भोलेनाथ का। अभी ब्राह्मण बुलाऊंगे तुम्हारे फेरे करवाऊंगी। लेकिन भोलेनाथ टस बस नहीं हो रहे हैं। भोलेनाथ जरा आईने में शीशे में अपनी शक्ल देखो, मेरे पीहर जाकर भी आपने ऐसी शक्ल बिगाड़ी थी, कैसे भूल गए? मुझे छलने के लिए गए थे, आप कैसे भूल गए? अगर आप तीन लोग के नाथ हो तो मैं भी तो आपके धर्म पत्नी हूँ। मोची बन के मने ठगी, अब थारी बारी है, अब थारी बारी है, शंकर बैठे कैलाश में। Yeah.
गया भोलेनाथ, सामान्य नहीं हुए तो मैया पार्वती सती चरणों में बैठ गई। भोलेनाथ आप सामान्य हो जाइए, आप तो मेरे पीहर में जाकर के थोड़ा सा हिसाब छोड़ करके आए थे, मैं वो हिसाब नक्की करने के लिए आई थी। आपसे कोई बदले लेने की मेरी कोई मानसिकता नहीं थी। हाथ जोड़कर कहे की। बोल मैया पार्वती की।